Assalamu alaikum students, hope you have an amazing morning. In the last lecture we had studied about the chapter number 8, and today we discuss about the chapter number 9, which is all is not lost. All is not lost mean sab kuch zaya nahi hota. In this chapter we had studied about the story of a nurse who was very hoping for the disordered patient. She was a nurse in a hospital in Karachi in Pakistan. She is very excited to see the patients who recovered very very quickly. ये स्टोरी एक ऐसी नर्स की है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हो जाती थी कुछ पेशेंट्स को देखकर कि वो बहुत जल्द रिकवर हो रहे हैं. और ये ऐसी नर्स थी जिसने एक बेजान जिस्म में रूह फूंक दी थी. ये ऐसे पेशेंट और ऐसे नर्स के इर्द गिर्द घूमती है कि एक ऐसी लड़की जिसे असाबी चोटों ने घेर लिया था और ना ही वो चल पाती ना ही वो बोल पाती, एक अपाहिज जिस्म था उसका. लेकिन ये नर्स, इस नर्स ने उस बेजान उस अपाहिज जिस्म के अंदर रूह फूंकी सिर्फ उम्मीद की बिना पे. तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं. ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ जाया नहीं होता. इसको स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग इसका जस्ट एक पैराग्राफ जो है फर्स्ट वाला उसी को कवर करेंगे. तो सबसे पहले पैराग्राफ में देखें, इट वाज ये था द बिगिनिंग, शुरुआत ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे की. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन, ये शुरुआत थी मेरे पेशे की एज ए नर्स, बहसीयत नर्स ये मेरे पेशे की शुरुआत थी. आई वर्कड, मैं काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट. मैं असाबी वार्ड के शोबे में काम करती थी. ICU आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल में सुना होगा, ही वाज इन ICU, शी वाज इन ICU. ICU मीन इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब ये होता है इंतहाई निगहदाश्त, जहाँ पे 24 घंटे किसी पेशेंट की तीमारदारी के लिए कोई ना कोई नर्स, कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद होता है. तो इंटेंसिव केयर यूनिट इंतहाई निगहदाश्त. सो आई वर्क, में काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड, असाबी शोबे के असाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में मैं काम करती थी. एज अ यंग एक नौजवान प्रोफेशनल पेशावराना की हैसियत से आई विश्ड मैंने ख्वाहिश की टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की. एक नौजवान पेशावराना की हैसियत से मैंने दुनिया को बचाने की ख्वाहिश जाहिर की. आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती थी टू सी, देख कर द पेशेंट्स, मरीजों को. आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स, मैं मरीजों को देख कर पुरजोश हो जाती थी. मेकिंग क्विक रिकवरीज, जो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते थे. मैं जल्द सेहतयाब होते हुए मरीजों को देख कर बहुत पुरजोश हो जाती थी. फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स बोलते हैं तबाहकुन हादसा. डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन, एंड एक्सीडेंट्स हादसा. तो मरीजों को
तबाह कुन हादसात से जल्दी सेहतयाब होता देख कर मैं पुरजोश हो जाती। येट अगरचे आई वॉज पेंड, मुझे तकलीफ होती थी टू नर्स दोज हु वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर, दोज हु वर स्ट्रक जिनको हो जाता था विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा असाबी बदनज़मी। अगरचे मैं इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती थी जब कोई मरीज़ बुरी तरह असाबी बदनज़मी का शिकार होता था। तो पहले पैराग्राफ के अंदर नर्स जो है वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है कि वो कौन थी, उसका उसकी एक्साइटमेंट क्या थी, या वो क्या काम करती थी, या उसकी ख्वाहिश क्या थी। तो पहले पैराग्राफ के अंदर जस्ट उसने ये बताया। तो पहले पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले उसने अपने पैराग्राफ अपने प्रोफेशन के बारे में बताया कि वो एक नर्स थी और वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करती थी ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, असाबी वार्ड के, और एक नौजवान प्रोफेशनल की हैसियत से उसने दुनिया को बचाने की ख्वाहिश जाहिर की, और वो जो जल्द सेहतयाब हो रहे होते थे मरीज़ उनको देखकर बहुत खुश होती थी, और जो बहुत ज़्यादा असाबी बदनज़मी का शिकार हो जाते थे उनको देखकर उन्हें उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती होती थी। मतलब जिनको बहुत बड़ी चोट लगी लगती थी असाबी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ एन आईसीयू इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर एक आईसीयू का मतलब क्या है। आईसीयू मीन आपको दिया हुआ है, आईसीयू मीन इंटेंसिव केयर यूनिट वेयर अ नर्स और अ डॉक्टर इज अवेलेबल फॉर 24 आवर्स इन दिस रूम। ठीक है जी, कि आईसीयू एक ऐसा इंतहाई निगहदाश्त यूनिट है जहां पर 24 घंटे कोई नर्स या कोई डॉक्टर मौजूद होता है। ठीक है जी, तो आप इस पहले पैराग्राफ को याद करिएगा, इसकी ट्रांसलेशन याद कर लीजिएगा, इसके वर्ड्स मीनिंग याद करिएगा, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा हम कल मिलते हैं अगले पैराग्राफ को लेकर। तो पहले पैराग्राफ को आप याद करिएगा अच्छी तरह से ताकि नेक्स्ट की आपको भी समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।